ऊना जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए गोपनीय सामग्री का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में परीक्षा सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। परीक्षा सामग्री बसों से संबंधित थानों क्षेत्र में सुरक्षा के तौर जमा होगी। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के पालन में गुना में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होना है, जिसमें 26,344 परीक्षार्थी भाग लेंगे। गुना जिले में 19 शहर में और 34 ग्रामीण क्षेत्र में परीक्षा केंद्र होंगे, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र के 8 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील बताया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। ज्यादातर केंद्रों पर आज ही परीक्षा सामग्री बांटी जा रही है, शेष 25 दिनांक को भी दी जाएगी। ये गोपनीय सामग्री परीक्षा केंद्रों के संबंधित थानों में बतौर सुरक्षा के रूप में रखी जाएगी। सर बताएं, आज सामग्री बांटी जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आज शिक्षा विभाग जिला गुना के द्वारा गुना शहर के बाहर के सभी परीक्षा केंद्रों को गोपनीय सामग्री प्रदाय की जा रही है और स्थानीय परीक्षा केंद्रों को कल दिनांक 25 फरवरी 2023 को प्रदाय की जाएगी। सर ये प्रक्रिया कितने बजे चालू हुई, कितने बजे तक चलेगी? सर ये प्रक्रिया अभी 11 बजे शुरू हुई है और लगभग शाम देर शाम तक चलेगी, जब तक कि परीक्षा सामग्री केंद्राध्यक्ष लेकर के अपने बॉक्स में पैक करके और गाड़ियों से यहाँ से रवाना नहीं हो जाते तब तक चलेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के द्वारा 26 फरवरी को जिला अस्पताल में लगने वाले शिविर को लेकर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जिला हॉस्पिटल के सिविल सर्जन और सभी डॉक्टर रहे मौजूद। कलेक्टर ने सभी व्यवस्थाओं को लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी को विशेषकर तैयारियों को लेकर दिए निर्देश। गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसद केपी यादव के द्वारा शिविर का किया जाएगा शुभारंभ। बेसिकली हॉस्पिटल का बेसिक निरीक्षण आज हम लोगों ने किया था, उसके साथ साथ 26 तारीख को एक स्वास्थ्य कैंप ऑर्गेनाइज है यहाँ पर। उस स्वास्थ्य कैंप में एम्स के डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो उसके प्लानिंग के लिए भी हमने किया था। 26 तारीख को लगभग 13 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स आ रहे हैं एंड पूरे जिले में जिनको भी उस पर्टिकुलर रोग के लिए दिखाना होगा तो डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, तो उसकी भी प्लानिंग करते हैं हम लोग। किस तरीके से कैंप है ये? जो कैंप रहेगा एम्स के डॉक्टर जो एम्स भोपाल के डॉक्टर्स आ रहे हैं एंड इसमें स्पेशलाइजेशन के रहेंगे, जैसे कार्डियक हो गया, गैने हो गया, ईयर ENT हो गया, ये सारी चीज़ों के डॉक्टर्स उस दिन रहेंगे एंड उसका हम लोगों ने प्रॉपर एक प्रेस नोट भी निकाला है, उसको जरूर उसमें उस स्वास्थ्य कैंप का जरूर लाभ होगा। गुना मध्य प्रदेश कोटवार संघ भोपाल की जिला इकाई गुना द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कोटवारों ने मांग की है कि सभी भूमिहीन तथा सेवा भूमिधारी कोटवारों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित तथा सेवा भूमि पर मालिकाना हक दिया जाए। फिर भी मांगे ना मानी तो प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन की स्थिति में प्रदेश के सभी 38,000 कोटवार द्वारा भोपाल में विशाल धरना प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि हमें हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जी बताएं, किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है? हमने 4 सूत्री मांगों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और धारा 144 भी लग रही थी, उसका उल्लंघन न करते हुए हमने 4-5 लोग गए थे, कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें हमने बताया कि हमारी 2 सूत्री मांग तो पहले है, एक तो हमें नियमितीकरण किया जाए और हमारी वेतन वृद्धि जो है किसी को 400 रुपये मिलती है, किसी को 600 रुपये मिलती है और किसी को जिसके पास जमीन नहीं है उसको 4,000 रुपये मिलते हैं। तो हम चाहें सरकार से ये मांग है हमारी कि हमें परमानेंट करा जाए और हमारी वेतन वृद्धि को बढ़ाया जाए, इसी संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और आज हमने ज्ञापन दिया है। फिर आगे 20 मार्च से हमारी उग्र आंदोलन की हड़ताल होगी, इसमें जेल भराओ वो होगा, इसमें इसलिए हम ये इस विषय में हमने ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। किस पद पे हैं? मैं कोटवार पद पे हूँ, जिला महामंत्री। मकसूदनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी माँ शबरी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। पूरा मामला ये है कि मकसूदनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी भील समाज के लोगों द्वारा माँ शबरी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान माँ शबरी जयंती का चल समारोह मकसूदनगढ़ के गुना रोड रेस्ट हाउस से शुरू हुआ, जो मुख्य मजार से होते हुए भोपाल रोड माँ शबरी आश्रम पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में भील समाज के लोग चल समारोह में उपस्थित रहे। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट।
भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर कांग्रेस संघ ने सफाई कर्मियों की समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। कहा कि नगर पालिका परिषद गुना में विगत 25 सालों तक कार्यरत सफाई कर्मियों को स्थायी रूप से नियमित करने, अनुकंपा नियुक्ति कराने वाले वाहन चालकों को भुगतान करने एवं अन्य समस्याओं को लेकर महेश परोसिया, देव कुमार झावा, संजीव लोहट, नरेश राजौरिया, सूरज नेहरिया, मनोज करोसिया, धनराज सिंधे, सचिन मालवीय ने दिया ज्ञापन। मानस भवन में आज शुक्रवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई है। कथा का वाचन देवांशु गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। आज कथा शुभारंभ से पूर्व शहर में एक कलश यात्रा निकाली गई। विधि विधान से पूजा अर्चना कर गोपाल मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा नयापुरा, लक्ष्मीगंज, जय स्तंभ चौराहा होती हुई मानस भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु कलश यात्रा में शामिल हुए। कथा स्थल पर कलश स्थापना के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की गई। राधा रानी समिति के आयोजकों ने बताया कि कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। श्रीमद् भागवत कथा 2 मार्च तक चलेगी। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से कथा का श्रवण पान कर धर्म लाभ उठाने का आग्रह किया है। जय श्री कृष्णा। आज ही हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन राधा रानी समिति द्वारा किया जा रहा है। ये लगातार हम 3 वर्ष हो गए इस कथा को, तो ये 4वीं वर्ष हमारी कथा संपन्न हो रही है, जो हमारे गुरु जी देवांशु महाराज जी वृंदावन से पधारे हुए हैं। और ये हमारी गोपाल मंदिर से शुरू होकर लक्ष्मी नारायण मंदिर पर पहुँचेगी, वहाँ से गुरु द्वारा होते हुए मानस भवन को पहुँचेगी। कथा कब से चलेगी, कब तक चलेगी, कब से प्रारंभ? कथा आज से शुरू है और 2 तारीख को ये कथा का समापन होगा 3 को भंडारा। आपका परिचय? मैं नीता तिवारी हूँ, राधा रानी समिति की अध्यक्ष हूँ, और मिलके जुलके ही हम लोग ये कथा कर पा रहे हैं। कथा कहाँ पर की जा रही है? कथा मानस भवन में। कौन सी कथा है ये मैम? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये 4थी कथा है हमारी। चौथा वर्ष है। कोरोना काल के कारण थोड़ा सा हमारा गैप हो गया था, पर अब ठाकुर जी की कृपा से ये 4थी वर्ष हमारे आज संकल्प है कि कम से कम हम 7। अच्छा, राधा रानी समिति कथा कराती अच्छी बात है, लेकिन क्या है ऐसा कि हर वर्ष करा रही है राधा रानी? ये तो अपना अनुभव होता है कि हमारी जो कथा है वो राधा रानी समिति को इतना मिलता है, हम साल भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं गोपाल मंदिर के उसके द्वारा। कार्तिक में पालकी भी निकालते हैं, आगामी महीने में जो हमारा अधिक मास आएगा उसमें भी हम उत्सव करते हैं, हाँ उत्सव करते हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि ये थोड़ा सा भगवान का काम है और सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने संकल्प लिया कि कम से कम हम 7 कथाएँ तो कराएँ। अच्छा, कितनी कथा कराएंगे आप? 7। जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में हुआ, जिसमें पहला पेपर सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित हुआ। इसी तरह दोपहर 2 से 3:30 बजे और शाम 4 से 5:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। इस पेपर में सभी विकासखंड के बच्चे, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे शामिल हुए। पहला पेपर अंग्रेजी का, दूसरा विज्ञान का, तीसरा गणित का हुआ। ये जिला स्तरीय ओलंपियाड सत्र 2023 की परीक्षा यहाँ पर संपन्न हो रही है, और आज 3 विषयों के पेपर थे। सुबह वाली जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट में अंग्रेजी विषय का पेपर था, अभी जो दूसरी शिफ्ट है उसमें पेपर विज्ञान का चल रहा है, और एक तीसरी शिफ्ट 4:30 बजे से स्टार्ट होगी, जो कि लगभग 5:30 बजे तक रहेगी। इन 3 चरणों में परीक्षाएं आज संपन्न। कितने विद्यार्थी हैं आज की तारीख में? अभी जो शिफ्ट चल रही है उसमें 210 परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए थे, और उसमें अभी 208 बच्चे प्रेजेंट हैं, 8 बच्चे उपस्थित रहे। सर, ये कौन सी क्लास तक के बच्चों के? 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं, और पूरे जिले के सभी विकास खंडों से सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सर, इस परीक्षा से क्या लाभान्वित होंगे बच्चे? इस परीक्षा को आयोजित करने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि बच्चा शिक्षा की मूल धारा से जुड़ सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो सीख सके, पढ़ सके। क्या नाम है सर आपके? मैं विजय कांत राठौर, उत्कृष्ट विद्यालय गुना। छात्रवृत्ति के भुगतान सहित तमाम समस्याओं को लेकर डीएसओ ने सौंपा ज्ञापन। गुना महाविद्यालय में छात्रों को आ रही तमाम समस्याओं को लेकर आज छात्र संगठन डीएसओ ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधीश के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से डीएसओ ने छात्रवृत्ति की राशि का विलंब भुगतान करने एवं सत्र 2022-2023 के छात्रवृत्ति और आवास योजना के लिए आवेदन की ऑनलाइन लिंक को पुनः शुरू करने और बंद पड़े गर्ल्स हॉस्टल को न्यूनतम शुल्क पर शुरू करने सहित कई मांगों को उठाया। ज्ञापन के माध्यम से इन समस्याओं के चलते छात्रों को आ रही परेशानियों से भी प्रशासन को अवगत कराते हुए छात्र हित में जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान
समाधान की मांग की गई। इस मौके पर DSO के कई पदाधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बताएं कि मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है। आज छात्र संगठन AIDSO की कॉलेज इकाई के द्वारा जिलाधीश महोदय के नाम यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है छात्रों के द्वारा। पिछले सत्र 2021-22 की OBC वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि उसके खाते में नहीं आई है, जबकि अब दूसरा साल शुरू हो चुका है, उनकी परीक्षाएं भी आ गई हैं। ये राशि दी जाती थी छात्रों के पढ़ने के लिए, ताकि उस पैसे से छात्र परीक्षा फॉर्म जमा कर पाए, उस पैसे से प्रवेश शुल्क जमा कर पाए और अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए। लेकिन 2 साल निकलने को आए हैं, दूसरी बार उनके परीक्षा फॉर्म भरने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक 1 साल की छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में नहीं आई है। SC ST की भी अभी 80% स्कॉलरशिप की राशि का आवंटन किया गया है। सरकार घोषणाएं करती है और बड़े बड़े बजट जारी कर रही है कि बजट जारी किया गया है, सबसे महान बजट इस सत्र में जारी किया गया। बजट कहाँ गया, किसकी जेब में चला गया, किसके खाते में चला गया, जो छात्रों तक पैसा नहीं आ पा रहा है। घोषणाएं कागजों में हो रही हैं, लेकिन हकीकत में छात्र आंदोलन करने पर बाध्य हो रहे हैं। तो आज छात्रों के द्वारा यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर पोर्टल शुरू हो जाएगा और छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्र इसके लिए लामबंद होंगे। इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालय के 2 हॉस्टल हैं, एक बॉयज हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है। बॉयज हॉस्टल 2012 में बंद किया गया था कि उसकी मरम्मत की जाएगी, उसको चालू किया जाएगा। आज 2023 है, 12-13 साल बीतने के बाद भी आज हॉस्टल चालू नहीं हो पाया है। जो गर्ल्स हॉस्टल करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था वो आज भी बंद है। जब सर से बातचीत की गई, इसको आंदोलन किया गया, ज्ञापन दिए गए, तब बोल रहे थे कि हम इसको चालू कर देंगे, लेकिन शुरू करने का 1,000 रुपए शुल्क छात्रों से वसूल किया जाएगा ऐसा बोला गया, लेकिन और आंदोलन किया गया तब वो उसको खोलने पर मजबूर हुए। तो अभी सर ने भी बातचीत करके बताया है कि उसको 1 जुलाई से गर्ल्स हॉस्टल को यथावत तरीके से शुरू किया जाएगा। ये छात्र आंदोलन की जीत है कि उसको हम लोग शुरू करा पाए। कलेक्टर घेराव का ही क्यों आपने विरोध किया? हम पहले भी इसके लिए कलेक्टर महोदय को कई बार अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई ऐसी ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई कि उनका समाधान किया जा सके। लेकिन अब दोबारा से परीक्षा फॉर्म जब दूसरे सत्र के भरे जा रहे हैं तो पैसा नहीं है, छात्र करे क्या, किससे मांगे, अपने हक का पैसा ही तो मांग रहा है लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा है। तो मजबूरन बस आज उसको यहाँ पर छात्रों के इकट्ठा होना पड़ा है, उसका परीक्षाओं का समय, परीक्षाओं को छोड़कर के आज वो यहाँ पर आ रहा है। ये शौकीय तौर पर नहीं आया, मजबूरी थी इसलिए छात्र यहाँ पर आए। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDS। छात्र यहाँ पर अपनी छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर के प्रशासन के पास आए थे और जब उनकी कोई नहीं सुन रहा, एक एक करके जब छात्र आ रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है, उनको डिपार्टमेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और जब छात्र इकट्ठा होकर अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली, हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तब यहाँ पर प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि धारा 144 लग रही है, आप पर FIR की जाएगी। लेकिन हम एक सवाल करना चाहते हैं कि जो 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं डाल रहे हैं, FIR उन पर होनी चाहिए, क्योंकि गलत करने वालों के लिए नियम है, जो गलत कर रहे हैं उन पर नियम होना चाहिए। जो 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं डाल रहा है, जो छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं उन पर FIR होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने 10,000 छात्रों की कॉपियां गलत चेक की हैं, वो फेल हो गए थे, उस पर FIR होना चाहिए। करोड़ों से लाखों की जो रुपए था उससे वो गर्ल्स हॉस्टल बना था, ऐसा का ऐसा पूरा जर्जर हो गया, बर्बाद हो गया, उन लोगों पर FIR होना चाहिए जिनने उस गर्ल्स हॉस्टल को बर्बाद किया है। और यहाँ पर धमकी किसको दे रहे हैं, छात्रों को धमकी दे रहे हैं, किस लिए कि आप छात्रवृत्ति की मांग मत करो, आप पढ़ाई लिखाई की मांग मत करो, आपको किताबें नहीं मिल रही आप मत बोलो, आपकी क्लास नहीं लग रही आप मत बोलो, और आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा, आप पर FIR हो जाएगी। ये सीधी सीधी शासन की तानाशाही है अपनी गलतियां छुपाने के लिए, ताकि कोई आवाज न उठाए, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कोई सा नियम हो, कोई सा कानून हो, छात्रों से और शिक्षा से बड़ा नहीं है, हम लोग शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, और जो शिक्षा नहीं दे रहे हैं उन पर FIR होना चाहिए। जी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 144 धारा लगाई हुई है और FIR की भी बातें आ रही हैं, तो हम बोल रहे हैं कि FIR हो, लेकिन गलत करने वालों पर FIR होना चाहिए। जी मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, अध्यक्ष कॉलेज इकाई AIDS। स्थानीय नानाखेड़ी मंडी परिसर में आज सुबह चोरी का अनोखा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि सरसों की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए चोर ने किसानों को कैच की फली लगा दी, जिससे किसानों को खुजली होने लगी और इस दौरान पकड़ ढीली होते ही वे भाग निकला। ये अलग बात है कि उसका ये प्रयास भी काम नहीं आया, क्योंकि आगे खड़े अन्य किसानों ने न केवल उसे पकड़ लिया अपितु उसके हाथ बांध कर जबरदस्त मारपीट भी कर डाली और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। असल में मामला ये है कि इन दिनों मंडी में सरसों की भरपूर आवक है, सो
डाक के लिए सैकड़ों ट्रॉलियां खड़ी हुई थी कि इसी दौरान एक युवक ने वहां पहुंचकर किसान की नजर से बचते हुए एक बोरी सरसों और अपनी गाड़ी पर रखकर निकलने लगा। लेकिन इसी दौरान निगाह पड़ते ही किसानों ने उसे पकड़ लिया। ये देख चोर ने अपनी जेब से कैंच की फली का पाउडर निकालकर किसानों पर फेंक दिया। 3-4 किसानों पर ये पाउडर गिरते ही उन्हें खुजली होने लगी। सो उनके हाथों की पकड़ ढीली होते ही चोर छूटकर भाग निकला, लेकिन उसे आगे की ओर खड़े अन्य किसानों ने न केवल पकड़ लिया, उसके हाथों को ट्रॉली से बांधकर उसके साथ मारपीट भी कर डाली। इस दौरान युवक ने अपना नाम संतोष धाकड़ बताया, जिसे कि कैंट थाना पुलिस की एक टीम के हवाले कर दिया है। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक पहले भी मंडी में चोरी कर चुका है और 3 माह जेल में रहने के बाद कुछ समय पहले ही जेल से छूटा है। पहले कहाँ पे चोरी करी थी? तीन महीने में छूटा था। चोरी में ही छूटा था ना? कहाँ पे चोरी करी थी? इकट्ठा उठाए थे बाबू, मंडी में इकट्ठा उठाए थे। फिर जेल चलो, कितने बार कितने दिन बाद छूटो? मोड़े सही बोल, नहीं तो एक लात नहीं दे इधर से। कितनी बार चोरी करी होगी तूने? तो अभी तुम कितने लोग आए थे? दो तीन जन ही मंडी में तेरे साथ में ही। नाम बता। अब तेरे साथ कितने आएंगे? नाम बता के। नाम बता। नाम बता। नाम बता। क्या नाम है? एक तो पिता। कहाँ के थे? यहाँ के सुहाई के। सुहाई के। तेरे तेरे साथ कौन कौन था? कौन मेरे साथ? बलराम था। बलराम धाकड़ ही है वो भी? फिर और समाज है वो, स्वामी जैन का ही है वो। अरे समाज तो है, कौन समाज है? जैन का है वो तो। अरे यही का तो है। अच्छा समाज पता नहीं है। खाने वाले ही है। अच्छा पीप खाने वाले ही है। तेरी दोस्ती बात है? कौन सा सरसों का कट्टा उठाकर भाग रहा था और जब इसको पकड़ने दौड़े तो इसने जेब में से निकाल के हमारे कैच की फली लगा दी, तो हम पकड़ नहीं पाए। फिर भी हमारे साथी ने इनको पीछे से पकड़ लिया। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए के द्वारा बुधवार को जनपद पंचायत आरोन अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा डोंगर एवं शासकीय हाई स्कूल छिपोन का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बूढ़ा डोंगर में पदस्थ सहायक शिक्षक पहलवान सिंह यादव उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय में बिना किसी अधिकृत सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह मधु सैनी प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा डोंगर भी दिनांक 21 फरवरी से विद्यालय से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण दोनों शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसी क्रम में शासकीय हाई स्कूल छिपोन के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मुर्दला सक्सेना प्राचार्य हाई स्कूल छिपोन विद्यालय से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई तथा प्रताप नारायण मिश्रा प्राथमिक शिक्षक हाई स्कूल छिपोन भी 20 फरवरी से बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। उक्त अनुसार दोनों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया है। इस दौरान जनपद पंचायत आरोन अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान छिपोन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गेहूं और चावल फर्श पर रखे गए थे। कंट्रोल प्रभारी को निर्देशित किया गया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान उचित मूल्य की दुकान पर 82% खाद्यान्न वितरण होना पाया गया। तहसील बमोरी के ग्राम किशनपुरा टकोदिया रामनगर भूमराखेड़ी अजरोड़ा आदि के ग्रामवासी पहुंचे कलेक्टर नहर का पानी न मिलने को लेकर दिया ज्ञापन। ग्रामवासियों का कहना है कि मकराबदा के डैम से नहर द्वारा आ रहे पानी को रोक रहे हैं, जिससे पानी नदी नालों में व्यर्थ हो रहा है और नहर से जो पानी आता है वे हमारे खेत तक नहीं पहुँचता है, जिससे हम ग्रामवासियों को पानी नहीं मिलने के कारण गेहूँ की फसल सूख रही है। गुना कलेक्टर से आवेदन देकर समस्या का समाधान करने की मांग। आपका शिशुपाल यादव। कहाँ रहते हैं आप? किशनपुरा। जी बताएं क्या समस्या लेके आए थे यार? सर हमारे रामपुर मकरादा डैम से नहर आती है तो वो 10 तारीख को छूटी है, आज 24 तारीख हो गई है। ऊपर वाले डबलिंग पानी दे रहे हैं और रात में चालू करके छोड़ जाते हैं और पानी वेस्ट जा रहा है नदी नालों में, तो नीचे हमारी फसल सूख रही है। तो ये मान लो सर पानी आने नहीं दे रहे हैं। कौन आने नहीं दे रहे? ऊपर वाले जो किसान है ना वो डबल पानी दे रहे हैं तो वो आने नहीं दे रहे। तो वहाँ के आपने प्रबंधक से बात की? हाँ, हमने SDO साहब से भी की, ई साहब से भी बात की, प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है। क्या क्या बोलते हैं?
बोलते हैं करेंगे, जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। हाँ, किसानों से बात की आपने? हाँ, किसानों से की बात, किसान नहीं मानते हैं, वो रात में चालू करके छोड़ देते हैं। और दिन में नहर आती है? नहीं आती है, दिन में भी नहीं आती है। हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही। दिन में क्यों नहीं आ रही? बंद कर देते हैं ना वो सर, बंदी लगा देते हैं। बंदी लग रही है। कितने किसान हैं आप वहाँ पे? हमारे गांव से 25-25 किसान आए हैं अभी। कितनी क्या फसल खराब हो रही है? तो गेहूं की फसल है, पानी मांग रही है, तो रकबा बहुत। चार गांव का रकबा है, चार गांव का रकबा है। कितने गांव का रकबा है? चार पांच गांव का रकबा है। किशनपुरा, रामनगर, टकोदिया, अजरोड़ा, भूमरा खेड़ी, चकपारसी खेड़ा, पहले वहां तक लगवाया। 26 फरवरी रविवार को गुना जिला चिकित्सालय में एक दिवसीय सुपर स्पेशलिटी शिविर में एम्स भोपाल के डॉक्टर करेंगे विभिन्न बीमारियों का फ्री जांच एवं उपचार। सांसद प्रतिनिधि सचिन शर्मा ने बताया कि गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं। उनकी पहल पर गुना जिला अस्पताल में 26 फरवरी को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक भोपाल एम्स के डॉक्टरों द्वारा जिला चिकित्सालय गुना में सुपर स्पेशलिटी शिविर में नेत्र रोग, हृदय रोग, न्यूरो, हड्डी रोग, पीडियाट्रिक चर्म रोग, सामान्य चिकित्सा, प्रसूति स्त्री रोग का विशेषज्ञ जांच करके निशुल्क उपचार करेंगे। क्षेत्रवासियों से सांसद डॉक्टर के पी यादव के सांसद प्रतिनिधि सचिन शर्मा ने शिविर में आमजन से आकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की। गुना में एम्स के डॉक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर एक शिविर, बड़ा शिविर आयोजन हो रहा है, सांसद जी द्वारा लगवाया जा रहा है। तो पूरी, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो पूरी क्या जानकारी भाई साहब इसके बारे में बताओ। गुना के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री केपी सिंह यादव जी भैया का हृदय से आभार करूँगा कि एक तो हमें ये फायदा हुआ कि माननीय सांसद महोदय स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं और हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद हैं, तो उनके विशेष प्रयासों से एम्स के जो डॉक्टरों की टीम है वो 26 तारीख को जिला चिकित्सालय गुना में 9 बजे से 4 बजे तक कैंप लगाया जा रहा है। क्योंकि जैसे नेत्र रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, दंत रोग, सामान्य चिकित्सा, प्रसूति स्त्रियों के लिए ये इलाज किए जाएंगे और विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को देखा जाएगा व एम्स में इलाज के लिए भी पूरा प्रबंधन किया जाएगा। उसका संख्या में सभी जन उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। सचिन शर्मा, सांसद प्रतिनिधि जिला। यादव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सम्मेलन आज। सांसद केपी यादव होंगे मुख्य अतिथि। यादव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह व सम्मेलन दिनांक 25 फरवरी 2023 शनिवार को गुना में होटल राजबिलास में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गुना, शिवपुरी, अशोकनगर सांसद डॉक्टर केपी यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण आहिर सेवा संस्थान गुना के तत्वावधान में किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह सरेठा ने बताया कि दोपहर 1 बजे से आयोजित समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद समाज के संरक्षक, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय सेवा के दायित्व का निर्वहन करने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के कर्मचारियों, समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और विशेष सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता एवं यादव समाज के उत्थान विषय पर भी वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में चर्चा होगी। विष्णु प्रसाद सिंह यादव ने समाज जनों के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। बता कल के कार्यक्रम के विषय में आप। समस्त यादव जिला गुना की ओर से श्री कृष्ण अहिर सेवा संस्थान द्वारा कल 25 तारीख को राजबिलास होटल में 1 बजे से प्रतिभा सम्मान समारोह व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि माननीय सांसद केपी यादव जी होंगे, राज्य मंत्री अजय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक कोलारस महेंद्र सिंह यादव जी, पूर्व विधायक ईशागढ़ चंदेरी राजकुमार सिंह यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ सिंह जी, अधिक से अधिक संख्या में समाज के सभी बंधु आकर इस आयोजन को सफल बनाए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुनी गई लक्ष्मी ओझा, स्वामी विवेकानंद ग्रुप ने दी बधाई और शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद ग्रुप द्वारा ग्राम वारोद में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सांसद
कौशल विकास केंद्र के अध्यक्ष लक्ष्मी ओझा को सीएम रायस वरखेड़ा हाट में सत्र का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सम्मान प्रभारी प्राचार्य भागचंद बघेल ने समस्त स्टाफ एवं बच्चों के समक्ष प्रदान किया। लक्ष्मी ओझा प्रतिभाशाली छात्रा है। ये सम्मान मिलने पर स्वामी विवेकानंद ग्रुप की ओर से यूथ मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्मावट ने लक्ष्मी ओझा का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया एवं स्वामी विवेकानंद जी का चित्र भेंट किया। यूथ मोटिवेटर जितेंद्र ब्रह्मावट ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ग्रुप छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। लक्ष्मी आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा का केंद्र है। उसके कारण लगभग 15 लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल जा रही हैं। लक्ष्मी जब तक पढ़ेगी स्वामी विवेकानंद ग्रुप उसकी जिम्मेदारी रहेगी लक्ष्मी ओझा ने बताया कि इसका श्रेय जितेंद्र ब्रह्मावट सर को जाता है, जो मुझे बचपन से मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर आज मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। इसके साथ ही मैं अपने प्राचार्य, क्लास टीचर एवं सभी टीचर को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। लक्ष्मी ओझा की इस उपलब्धि के लिए स्वामी विवेकानंद ग्रुप एवं सभी अनुषांगिक ग्रुप ने लक्ष्मी ओझा और परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। जितेंद्र ब्रह्मावट सर को जाता है, जिन्होंने मुझे बचपन से सही मार्गदर्शन देकर मुझे गेम राइज स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। इनके साथ ही मैं अपने प्राचार्य एवं क्लास टीचर और सभी टीचरों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। और मैं लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जो स्वामी विवेकानंद ग्रुप है उसने एक स्वामी विवेकानंद संस्कार स्वाध्याय केंद्र अपने ग्राम भारत में खोल रखा है। उसकी हमारी जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मी ओझा, उन्हें अभी इस समय सीएम राइज परखेड़ा हाट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो हम पूरे विवेकानंद ग्रुप की ओर से उनको बधाई देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो जीवन में इस तरह से आगे बढ़ते रहें। और लक्ष्मी, मैं कहूँ तो लक्ष्मी को मैं बचपन से जानता हूँ, मैंने उसे बहुत छोटी क्लास से पढ़ाया है और वो अभी जब भी कोई परेशानी आती है वो हमारे पास आके इन चीज़ों में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। और लक्ष्मी केवल अकेली नहीं पढ़ रही इस बारह गांव से, लगभग वो अपने साथ 15 लड़कियों का एक पूरा ग्रुप है, जिसको वहाँ तक वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये लड़कियाँ पूरे अपने 12th तक पढ़ाई पूरी करें। और वो पूरे प्रयासरत रहती है और वो अपने कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को, गाँव वालों को, सबको समझा के लड़कियों को साथ में लाना, ले जाना, पूरी जिम्मेदारी इस चीज़ को निभा रही है। और लक्ष्मी को हमारे पूरे विवेकानंद ग्रुप की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। लक्ष्मी जब तक पढ़ेगी स्वामी विवेकानंद ग्रुप उसके लिए हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। उसकी लिखाई पढ़ाई की जिम्मेदारी हम पूरी लेने को तैयार हैं, अगर लक्ष्मी पढ़ने के लिए तैयार है। बहुत बहुत। कलेक्टर ने किया तहसील कार्यालय एवं लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण। कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत आरोन अंतर्गत तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन, तहसीलदार न्यायालय एवं नायब तहसीलदार पनवाड़ी हाट के न्यायालय का निरीक्षण कर विभिन्न मदों में दर्ज प्रकरणों को देखा एवं पारित आदेश में अमल की स्थिति का निरीक्षण किया। साथ ही पीठासीन अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आदेश के उपरांत प्रत्येक आदेश में तत्काल अमल कर अमल की नकल प्रकरण के साथ अनिवार्यत लगाई जाए। साथ ही सीमांकन के प्रकरणों में राजस्व निरीक्षक पटवारियों को ETS मशीन से किए जाने एवं फील्ड बुक नक्शा लगाए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा तहसील में स्थित जाति प्रमाण पत्र तथा शाखा का निरीक्षण भी किया एवं RBC 6-4 के केसों में बिल भुगतान की स्थिति एवं साधारण को देखा। कलेक्टर द्वारा आधार कार्ड केंद्र, लोक सेवा केंद्र एवं पाम रूम का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही निर्माणाधीन चिकित्सालय का निरीक्षण कर PIU इंजीनियर से नक्शा देखा एवं निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व वीरेंद्र बघेल, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव एवं नायब तहसीलदार मोहित जैन साथ रहे।